समथिंग, ये जो नई जर्नी की शुरुआत फिर से होने जा रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस क्या है, क्या नया देखें। इस वेंचर का नाम है फिस्को हब, रेस्ट्रो बार है, और अतुल भाई ऑलरेडी यहाँ के ओनर है। अब हम, हमारी जो टीम है मूनवॉक मीडिया, जो हमारी चेन है रेस्टोरेंट्स की, अब हम अतुल भाई के साथ जुड़े हैं यहाँ पे। ऑलरेडी बोरीवली में बहुत अच्छा नाम है फिस्को का, और अब साथ में जुड़ के इसको और आगे उड़ाने की इच्छा है हमारी, और सारी इच्छा जैसे हम पूरी करते ही हैं वैसे ही आज आपको लॉन्च के लिए बुलाया, आप सभी को अगली बार सक्सेस पार्टी के लिए बुलाएंगे। अतुल जी क्या 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 कहना चाहोगे? बस वी आर लकी टू एसोसिएट विद भाविन एंड यादित, एंड आगे बहुत सारा काम करेंगे, और प्लान है हमारा और 2-3 रेस्टोरेंट साथ में करें। लेट्स सी फिस्को के को लेके क्या फ्यूचर प्लानिंग है, कुछ अगर बताना चाहोगे इन डिटेल, क्या नया देखने मिलेगा? और जैसे फिस्को में अभी तक आप अगर अंदर का एमएस देखोगे, बहुत ही यूनिक एम्बियंस है। आप फैमिली को लाना चाहोगे वेज खाना खाने के लिए, इतने जो अल्कोहल के शौकीन हैं उनको अच्छे अच्छे कॉकटेल्स मिलते हैं यहाँ पे, मॉकटेल्स मिलते हैं, और कोई वेज बंदा है गुजराती मारवाड़ी जैन हो गए, जिसको अच्छी जगह जाना अपनी फैमिली को लेके, वो कहाँ जाए तो फिसिन बोरेवली और गांधीवली, तो फिस्को आना चाहिए उसे। अब नया जो देखने वाला है, यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के एम्बियंस बनाए हैं अतुल भाई ने, जो यहाँ पे अगर आप अंदर इस वाले में जाते हो तो आपको एकदम ग्रीक वाइब्स आते हैं, पूरा वाइट ऑफ वाइट बनाया है, कपल्स के लिए ऐसा कैंडल लाइट डिनर टाइप का वाइब है, यहाँ पे वापस अलग ही वाइब है, ऐसे जैसे कैफे नेक्स्ट डोर हो, आपको लगेगा कि एक ऐसा 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 चिल स्पॉट जहाँ पे आप रोज़ जाके बैठ सकते हो दोस्तों के साथ, आप रोज़ चिल कर सकते हो, आप आगे गप्पे मारो, स्टार्टर्स खाओ, कॉकटेल्स पियो, तो आप बाद में कवर कर लेना अगर आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हो तो। आउटडोर सेक्शन है यहाँ पे, और एक इंडोर सेक्शन है, इंडोर तो एसी सेक्शन है ही, जो पहले से सेक्शन तो है। आप अगर कुछ बताना चाहोगे मूनवॉक एंड फिस्को का, जो ये जो कॉलैब है, अमेजिंग कॉलैब, उसके बारे में कुछ डिटेल में थोड़ा सा। यस, तो फिस्को बेसिकली आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्योर वेज रेस्टोरेंट्स इन बोरीवली, जहाँ पर प्योर फैमिली क्राउड आता है, आपका कोई भी प्राइवेट पार्टीज है, आपका किटी है, आपको इनफैक्ट अगर शादी भी, अगर आपका कोई उसका छोटा मोटा फंक्शन है तो वो भी आप यहाँ पर हो रहा है, बेबी शावर्स हो रहे हैं यहाँ पे, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट्स इन बोरीवली एरिया, या तो मैं तो बोल सकता हूँ यहाँ से लेके मलाड तक का आप बोल सकते हो कि सबसे बेस्ट प्योर वेज का मेरे हिसाब से है। सो वी विल ट्राई टू मेक इट मोर बेटर, नई चीज़ लाने की कोशिश है, नए नए कॉन्सेप्ट्स लाएंगे, काफ़ी नई नई चीज़ें यहाँ पर, जैसे कपल डाइनिंग है, फैमिली डाइनिंग है, उसके अलग अलग सेक्शंस हैं। और रही बात MWM की, तो मूनवॉक मीडिया, वही हम कर रहे हैं कि मूनवॉक मीडिया और फिस्को साथ में जुड़ के और बड़ा करेंगे, और बड़ा। जैसे हम लोग वैसे भी, हम लोग की जो टीम है, हम लोग फूड के लिए बहुत जाने जाते हैं, जितने भी हमारे वेंचर्स हैं वी सर्व डिलीशियस फूड, और अतुल भाई भी, हम टेरेसा आज तक ऊपर थे, हमारा रूफ टॉप पे हमारा टेरेसा है हमारा वेंचर, हम ऊपर फिस्को से खाना ऑर्डर करते हैं जब हमको खाने का मन करता है। हम लोग खाना खाने यहीं आते हैं, हम लोग मतलब आपका खुद का जब रेस्टोरेंट होगा तब आप बोर हो जाते हो एक ही जगह खा के, तो आप ओनर्स बोर हो जाते हैं। हाँ, तो अगर मुझे जैसा घर जैसा खाना चाहिए तो वो यहाँ मिलता है। अतुल जी, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर फूड? सीक्रेट तो कुछ नहीं है, बस मेहनत और मेहनत ही करना सीक्रेट तो कुछ नहीं है, बार बार कुछ भी, हर 2-3 महीने में कुछ नया, कुछ क्रिएटिव लाना पड़ता है जो पब्लिक को अट्रैक्ट करे बार बार आने के लिए। सर आप बताना चाहोगे फिस्को? मोस्टली देखो कि जो कॉम्बिनेशन है वेज फूड, जैन फूड और लीकर, ये सेक्शन बनो, मोस्टली ज़्यादा लीकर में नॉनवेज भी मिलता है, बट यहाँ पे जो बोरीवली है, कांदिवली, यहाँ पे लोगों को वेज खाना, जैन खाना, उसके साथ में अच्छे कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, और एम्बियंस बहुत अच्छी है यहाँ की हमारी, या लाइव म्यूजिक होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गुजराती, मारवाड़ी, ये है वेजिटेरियन लोगों के लिए, आप नॉन वेजिटेरियन हो लेकिन वेज खाने का मन है तो आओ, नॉन वेज नहीं है लेकिन आप वेजिटेरियन हो तो फॉर श्योर आपको मजा आना, मतलब बहुत सारे स्टार्टर्स हैं और हमारे वैरायटीज बहुत ज़्यादा है, मतलब आप मेनू देखोगे तो मतलब आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, लोगों के रेस्टोरेंट्स नहीं होते जितने बड़े ना, उससे बहुत बड़ा किचन है पीछे। हाँ, मतलब हर टाइप का खाना मिलता है, हर टाइप के अलग शेफ्स हैं और अलग स्पेशलिटी जिनकी, उस टाइप के हर चीज़ के शेफ्स हैं, ऊपर बैंक्वेट है, थैंक यू सो मच, विल डू अ पिक्चर्स हियर, यस यहां पे एक बार, एंड ही इज जस्ट रीचिंग हाइट्स डे बाय डे, एंड आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट हिम फॉर द न्यू वेंचर
because every day I get his message, every alternate day, that there's this opening, that opening, and he's doing so great. And Fisco, I think, yeah, I've been here before, but now since Bhavesh kind of owns it, it feels special because any of your friends, you know, they go on some achievement, they hire something. So it feels nice. It feels more like a family to be here now. So yeah, I just want to congratulate him and the entire team. At the young age, you feel so well. Exactly. How great do you feel as a friend? It's been very long I know him. It's been good 7-8 years now. And obviously, I've told him so many times. I've told him before also that I feel actually very proud and great. Because at such young age, to be very precise, at this age, it's very difficult to achieve so much that he had already did. So it feels good, it feels nice. As a friend, what else you can expect? You can just wish him well. And I'm already proud. And I've told him so many times. Thank you so much. Work is going to collab. Tell us something about it. I'm here to congratulate him for the relaunch of this place. Now I have to go inside and see that how well he has made it again, and I'm sure he must have done a great job. And really looking forward to have. कितना bless feel करते हो भाविन के लिए क्योंकि एक young age में उन्होंने काफी कुछ अपने life में किया है. Young as in like हम आज ही बात कर रहे थे morning में. I met Bhavin and I was like, you know, he's just 25 and he already owns so many restaurants. So he said it's his dream to own like 3 restaurants per year. Which is like, he wants to, yeah. This is like unbelievable. So, yeah. How's life going on for your side and professional life? Amazing. Personal life is amazing. Professional mein bhi kuch amazing ho jayega very soon. Blogging and all. Yeah, that is going on. Aaj kal bhai sab chal raha. Love you are getting from the blogging. Tell us something about it. That is amazing because I think Insta is a wonderful way to stay connected with your fans and to portray what you want to do. Thank you. Thank you guys. I want to congratulate Bhavin bhai और मतलब काफ़ी टाइम बाद यहाँ आना हुआ, मतलब भाविन से मिलना भी काफ़ी टाइम, क्योंकि काम की वजह से मिलना नहीं होता, बातें होती रहती है तो फाइनली इट्स गुड टाइम. और भी फ्रेंड्स आए होंगे तो आई एम ईगर टू गो इन साइड एंड सी हु आल्सो देयर. थैंक यू सो मच. Bhavin and the team for the lovely launch. I'm very happy and proud of Bhavin. वो एक के बाद एक लॉन्च करे जा रहा है. And it makes us very happy and proud of him. And tell us something about Bhavin at this young age. He's doing so well. Right. He's 6 or 7 venture. Correct. How blessed do you feel to have him as a good friend? Oh, I think I'm a very good friend who's always standing by him. You will see me at every launch of his because I'm very, very proud of him. And in fact, yesterday on the call, I told him कि एट सच अ यंग एज यू आर अचीविंग सो मच, कीप अप द गुड वर्क, कीप एट इट एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू एवरीवन.